तो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस। मैं रोहित शर्मा आज मैकेनिक्स की सेकंड चैप्टर की सेकंड वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें और जो कि आपको पता है कि हमारा एग्ज़ाम का भाई स्पेशल बैच चल रहा है इस समय, जिसमें आपको बेस्ट क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स, बेस्ट क्वालिटी ऑफ पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू पीडीएफ नोट्स दिए जा रहे हैं व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप ग्रुप में। और आपको जो है अब वीक के लास्ट में एक टेस्ट प्रोवाइड किया जाया करेगा, जो कि आप देकर अपना अपनी प्रिपरेशन देख सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस हिसाब से चल रही है। तो आइए आज की अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले लेक्चर में 20 क्वेश्चन करा दिए थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 21st क्वेश्चन से अपने। तो हमारा 21st क्वेश्चन है, इफ़ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर इन सेम प्लेन देन द फोर्स कॉल्ड। यदि किसी निकाय पर कार्य करने वाली सभी सेनाएं एक ही विमान में हो तो बल को बुलाया जाता है। तो इसका आंसर है हमारा सी, कोप्लेनर फोर्स। एक ऐसी फोर्स होती हैं जो कि सेम प्लेन पर एक्ट करती हैं, तो इसका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने 22nd क्वेश्चन। इफ़ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर इन सेम प्लेन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल सच फोर्सेस पासिस थ्रू अ सिंगल पॉइंट देन द फोर्स कॉल्ड। यदि किसी पिंड पर कार्य करने वाली सभी बल एक ही तल में होते हैं तो, और ऐसे सभी बलों की क्रिया रेखा एक बिंदु से होकर गुजरती हैं या फिर होकर जाने वाले बल को हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है हमारा सी, इसका भी आंसर सी है, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। तो इन्हें हम कहते हैं कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd क्वेश्चन हमारा है, When all the forces do not meet at a point but lie in single plane, then the force called. किसी पिंड पर कार्य करने वाले सभी बल एक ही तल में होते हैं और ऐसे सभी बलों की क्रिया रेखा एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है हमारा ए, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24th क्वेश्चन है, व्हेन ऑल द फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड लाई इन अ सिंगल प्लेन देन द फोर्स कॉल्ड। जब सभी बल एक दूसरे के समांतर होते हैं और एक ही विमान को रेखाबद्ध करते हैं तो बल कहलाता है। इसका हमारा आंसर है, तो इसका हमारा आंसर है कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 25th क्वेश्चन हमारा, इफ़ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर इन डिफरेंट प्लेन्स देन द फोर्स कॉल्ड। यदि किसी पिंड पर कार्य करने वाली सभी बल अलग अलग तलों में हैं तो बल कहलाता है। तो इसका आंसर है हमारा नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम, हमारा 26th क्वेश्चन है, अ फोर्स एक्टिंग एट एनी पॉइंट ऑफ अ बॉडी मे ऑल्सो बी कंसिडर्ड टू एक्ट एट एनी अदर पॉइंट अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन विदाउट एनी चेंज इन इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी, दिस प्रिंसिपल कॉल्ड। किसी पिंड को किसी भी बिंदु पर कार्य करने वाले बल को शरीर पर इसके प्रभाव से किसी भी बल के बिना किसी भी अन्य बिंदु पर अपनी क्रिया की रेखा के साथ कार्य करने के लिए भी माना जा सकता है, जिसे यह प्रिंसिपल कहा जाता है। तो ये प्रिंसिपल है हमारा कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो ये हमारा प्रिंसिपल है, हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, 27th क्वेश्चन है, द एक्शन ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स ऑन अ रिजिड बॉडी विल इन नो वे बी चेंज इफ़ अनदर सिस्टम ऑफ फोर्स इन इक्विबिलियम इज एडिड और सब्ट्रैक्टेड। एक कठोर शरीर पर बल की दी गई प्रणाली की क्रिया किसी भी तरह से नहीं बदलेगी यदि संतुलन में बलों की एक और प्रणाली को जोड़ा या घटाया जाए। तो इसका आंसर हमारा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 28th है हमारा,
द फोर्स विच टेंड टू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ अ बॉडी आर कॉल्ड, वह बल जो किसी पिंड के कणों के बीच की दूरी को बढ़ाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं टेंसिल फोर्स। टेंसिल फोर्स वह फोर्स है जो किसी बॉडी के बीच के पार्टिकल्स की दूरी को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29th क्वेश्चन। इफ अ बॉडी इज इन इक्विबिलियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेज एंड एनी टू ऑफ द थ्री फोर्सेज पास थ्रू अ पॉइंट, देन द थर्ड फोर्स मस्ट पास थ्रू द सेम पॉइंट कॉल्ड। यदि कोई पिंड तीन बलों की कार्रवाई के तहत संतुलन में है तो तीन बलों में से कोई भी दो बल किसी एक बिंदु से होकर गुजरता है, तीसरा बल उसी बिंदु से गुजरना चाहिए जिसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है हमारा 29th क्वेश्चन का, इसे हम कहेंगे लॉ ऑफ ट्राइंगल। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, लॉ ऑफ ट्राइंगल में ये स्टेटमेंट होता है। नेक्स्ट हमारा 30th क्वेश्चन है। इफ एनी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन बाय द साइड ऑफ अ पॉलीगन टेकन इन ऑर्डर दे शैल बी इन इक्विबिलियम। यदि एक बिंदु पर कार्य करने वाले किसी भी बल को परिणाम और दिशा में एक बहुभुज की तरफ से दर्शाया जाता है तो संतुलन में होंगे। तो इसका आंसर है हमारा बी, लॉ ऑफ पॉलीगन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 31st क्वेश्चन है हमारा। फाइंडिंग द कॉम्पोनेंट ऑफ अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड, किसी दिशा का घटक ज्ञात करना कहलाता है। तो इसका आंसर है हमारा बी, रिसोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32nd क्वेश्चन। व्हाट इज ऑल्सो नोन एज रिसोल्यूशन ऑफ फोर्स इन टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जैसे लंबवत दिशा में बल के संकल्प के रूप में भी जाना जाता है, जिसे लंबवत दिशा में बल के संकल्प के रूप में भी जाना जाता है, तो हम उसे कहते हैं रेक्टेंगुलर रिसोल्यूशन। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। 33rd क्वेश्चन है हमारा। व्हेन टू कॉम्पोनेंट ऑफ अ फोर्स एट राइट एंगल टू ईच अदर कॉल्ड, जब एक दूसरे के समकोण पर बल के दो घटक होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर ए बिल्कुल सही है, रिसॉल्व पार्ट कहलाते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। 34th क्वेश्चन है हमारा। व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विच फोर्स कैन बी फाउंड बाय एडिंग अप द इंडिविजुअल फोर्स, जब दो या दो से अधिक बल कार्य करते हैं किसी बॉडी पर और विरोध करते हैं तो व्यक्तिगत बल को जोड़कर कौन सा बल प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है, एक्सटर्नल फोर्स होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35th क्वेश्चन। व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स इज ज़ीरो, जब परिणामी बल शून्य हो। तो कब हो सकता है हमारा परिणामी बल शून्य? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट, बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा कोई पिंड ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36th क्वेश्चन। इफ अ बॉडी एट रेस्ट एक्टेड अपॉन बाय अ सिस्टम ऑफ फोर्स इन सच अ वे दैट अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और अनमूव्ड देन द फोर्स सिस्टम कॉल्ड, यदि किसी पिंड पर बल की एक प्रणाली इस तरह से कार्य करती है कि एक शरीर आराम या स्थिर रहे तो बल प्रणाली को कहा जाता है। तो इसका आंसर है हमारा स्टैटिक इक्विबिलियम। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, 36th का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 37th क्वेश्चन है। इफ अ फोर्स सिस्टम एक्ट ऑन अ मूविंग बॉडी इन सच अ वे दैट द मोशन ऑफ मूविंग बॉडी रिमेन सेम, देन द फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड। यदि एक गतिमान पिंड पर एक बल की प्रणाली इस तरह से चलती है कि गतिमान पिंड की गति सामान्य रहती है तो बल प्रणाली क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है हमारा डायनेमिक इक्विबिलियम। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, डायनेमिक इक्विबिलियम। नेक्स्ट हमारा 38th क्वेश्चन है। इफ़ द थ्री कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस आर इन इक्विबिलियम देन ईच फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द रिमेनिंग टू फोर्सेस। यदि तीन समतलीय समवर्ती बल सामान्य अवस्था में हों तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती होता है। तो हमारा जो 38th क्वेश्चन है इसका आंसर है
लामीज़ थ्योरम, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो लामीज़ थ्योरम का है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 39th क्वेश्चन है हमारा, इन आ स्ट्रक्चर दोज मेंबर विच आर जनरली यूज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड बियर्स ट्रांसवर्स लोडिंग आर कॉल्ड। एक संरचना में वह सदस्य है जो आमतौर पर क्षैतिज दिशा में उपयोग किए जाते हैं और अनुप्रस्थ लोडिंग को सहन करते हैं वह कहलाते हैं। तो इसका हमारा आंसर है सी, बीम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 40th क्वेश्चन। इफ़ द स्पैन इज़ टू मच देन द स्ट्रक्चर यूज्ड कॉल्ड। यदि स्पैन बहुत अधिक है तो प्रयुक्त संरचना कहलाती है। तो इसका आंसर हमारा है ट्रसेस, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ट्रसेस। नेक्स्ट पे चलते हैं। 41st क्वेश्चन है हमारा, अ बीम हैविंग सपोर्ट एट बोथ द एंड ऑन इट स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड। एक चिकनी सतह पर दोनों सिरों पर एक समर्थन वाले बीम को कहा जाता है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आप सभी को ही पता होगा, सिंपल सपोर्टेड बीम होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अ बीम हैविंग वन और बोथ एंड आउट ऑफ द सपोर्ट एंड लोड ऑल्सो एक्ट आउटसाइड द सपोर्ट इज कॉल्ड। एक बीम जिसमें एक या दोनों सिरे होते हैं और समर्थन और भार से बाहर भी समर्थन के बाहर कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारा 42nd का है, ओवरहैंगिंग, बी बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका, ओवरहैंगिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। 43rd, अ बीम हैविंग वन और बोथ एंड इन बिल्ट और फिक्स्ड इन अ सपोर्ट लाइक वॉल इज कॉल्ड। दीवार की तरह एक समर्थन में नियमित या तय दोनों में होने को कहा जाता है। तो इसका हमारा आंसर है कंटीन्यूअस, ये कंटीन्यूअस बीम का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारा 44th क्वेश्चन है, अ बीम हैविंग मोर देन टू सपोर्ट्स एंड अ रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड। नियमित अंतराल पर दो से अधिक समर्थन वाले बीम को कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारा है कंटीन्यूअस, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कंटीन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। 45th क्वेश्चन है हमारा, विच बीम इज़ अ मेंबर विद वन एंड प्रोजेक्शन बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सपोर्ट फ्री टू मूव इन ऑफ वर्टिकल प्लेन लोड्स प्ले बिटवीन द फ्री एंड एंड द सपोर्ट। कौन सा बीम एक समर्थन के बिंदु से परे प्रेक्षण मुक्त और समर्थन के बीच एक लंबवत विमान भार स्थान में स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र है। तो इसका आंसर है ए, कैंटीलीवर बीम, इसका आंसर है ए, कैंटीलीवर बीम। 46th क्वेश्चन है हमारा, दिस टाइप ऑफ लोड एक्ट एट अ पॉइंट और अ सेक्शन ऑफ अ बीम और ट्रस आर कॉल्ड। तो 46th का हमारा आंसर है फर्स्ट, पॉइंट ऑफ लोड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 47th, दिस टाइप ऑफ लोड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बीम और ऑन अ पार्ट लेंथ ऑफ अ बीम। बीम की पथ लंबाई के लिए इस प्रकार का भार पूरे बीम पर वितरित किया जाता है। तो इसका 47th का हमारा आंसर है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट पर हम चलेंगे। 48th क्वेश्चन है हमारा, दिस टाइप ऑफ लोड इज़ इंक्रीज और डिक्रीज विद द लेंथ ऑफ अ बीम। इस प्रकार का भार भार बीम की लंबाई के साथ बढ़ता या घटता है हो तो उसे हम क्या कहेंगे। हमारा 48th क्वेश्चन का आंसर है बी, यूनिफॉर्म वेयरिंग, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा, यूनिफॉर्म वेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 49th क्वेश्चन हमारा, अ फोर्स और लोड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द नेम ऑफ द स्पेस ऑन द बोथ साइड ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। भार पल बल को बल की क्रिया की रेखा के दोनों ओर के स्थान के नाम से दर्शाया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ए ऑप्शन, बो नोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50th क्वेश्चन, और 15th क्वेश्चन हमारा है,
फोर्स रिएक्शन डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर शो इन अ डायग्राम आर रिप्रेजेंटेड द बो नोटेशन कॉल्ड, बल की प्रतिक्रिया की दिशा आरेख में दिखाई जाती है और धनुष संकेतन द्वारा दर्शाई जाती है जिसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्पेस डायग्राम। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो आज हमारे सेकेंड चैप्टर मैकेनिक्स के 50 क्वेश्चन हो गए हैं और आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक्स टू ऑल माई डियर फ्रेंड्स टू वॉच दिस वीडियो एंड आई थिंक दिस इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। आपके लिए बहुत सकारात्मक रही होगी मुझे ऐसा लगता है। और आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और कोरोना से बचे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।